वेलकम टू वीटी आर्ट क्लासेस फ्रेंड्स। तो आजकल फ्रेंड्स लॉकडाउन चल रहा है और हम सब लोग अपने घरों में बंद हैं, तो ऐसे समय में हम नेगेटिविटी को छोड़कर कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली ही ये कुछ पेंटिंग्स इन 10-15 दिनों में बनाई हैं, जो मैं आपको अपना काम दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है वो ये पिचवाई पेंटिंग है जो मैंने एक्रेलिक कलर से की है, और ये मैंने देखिए प्लास्टिक प्लेट के ऊपर मैंने इसको बनाया है, और इसको बनाने के बाद में मैंने इसके ऊपर ये वार्निश कर दी है जिससे कि हमारा काम प्रोटेक्टेड रहे। फ्रेंड्स, जो मैंने नेक्स्ट काम किया है वो काम मैंने ये किया है, ये भी पिचवाई पेंटिंग मैंने एक प्लेट के ऊपर, अगेन प्लास्टिक प्लेट के ऊपर बनाई है, और इसको भी एक्रेलिक कलर से मैंने बनाया है और उसके बाद वार्निश किया है। फ्रेंड्स, इन प्लेट्स को हम स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, और इसके पीछे हम हुक लगा दें तो हम इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं, और हम पुरानी प्लेट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको रिसाइकल हम कर सकते हैं, DIYs हम बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप ये बनाएं, जिस भी टाइप का आपको ड्राइंग, फ्लावर, जो भी आपको आता है आप उसको बना सकते हैं और अपने टाइम का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने नेक्स्ट बनाया है वो मैंने ये बनाया है, ये देखिए, ये मैंने देखिए वुड पैनल के ऊपर बनाया है, वुड है ये, और ये जो मैंने बनाया है फ्रेंड्स, ये सेरामिक पाउडर का यूज़ करके बनाया है, इसको रिलीफ वर्क बोलते हैं, और ये रोज़ेस हमने बनाए हैं इसमें, और उसके बाद में इसको एक्रेलिक से हमने पेंट करके वार्निश कर दिया है, और ये भी बहुत सुंदर बना है, और बाद में हम इसको होल करके हैंग करने के लिए भी बना सकते हैं या फिर हम इसको स्टैंड के ऊपर भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी ने बनाया है स्वीट होम का, तो ये भी उसने इसी मटेरियल से बनाया है जिसका मैंने बनाया था और कलर किए हैं। तो बच्चे जो हैं वो अपनी एज के हिसाब से डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स मैंने बनाया है वो मैंने बनाई है ये एक मिनिएचर राजस्थानी पेंटिंग, और इसको भी मैंने फिर ये वुडन पैनल के ऊपर बनाया, आप देख सकते हैं ये वुड पीस है, और इसको भी एक्रेलिक कलर से बनाया गया है, और उसके बाद में हमने इसको वार्निश कर दिया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमने ऊपर ये इसके दो होल जो हैं वो ड्रिलिंग मशीन से बनाए हैं जिससे कि हम अपनी पेंटिंग को बाद में हैंग कर सकते हैं वॉल के ऊपर। और अगर आप इसको हैंग नहीं करना चाहते तो प्लेट्स के और इस टाइप की चीज़ों के स्टैंड मिलते हैं, आप उसको मार्केट से ख़रीद के इसको ऐसे स्टैंड में भी खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया है ये घर में दिवाली का मटका एक रखा हुआ था, तो उसको मैंने ये फ्री हैंड बना दिया है, और उसको मैंने ये सेरामिक अप्लाई करके, सेरामिक पाउडर को, और उसके बाद में हमने मिरर पड़े हुए थे वो लगा दिए, आपके पास लेस है तो आप लेस लगा सकते हो, और ये हमने एक्रेलिक कलर से इसको फ्री हैंड पेंट कर लिया। और इसके बाद जो फ्रेंड्स मैंने बनाया था वो ये एक मेरा किचन का जार था, तो उसका ढक्कन टूट गया था और फिर ये किसी काम नहीं आ रहा था, और ये हल्का सा यहाँ से चटक भी गया था, तो कोई चीज़ रखने की तो उसने काम नहीं आना था, तो हमने इसको ग्लास कलर से फ्री हैंड ये हमने इसको कलर कर लिया, और उसमें कुछ स्टोन और ये शंख वगैरह इसमें डाल दिए, तो ये भी एक डेकोरेटिव पीस हमारा तैयार हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया था वो ये है एक पैनल के ऊपर मैंने बनाया था, तो ये भी एक पुराना फ्रेम देखिए ये टूट गया था, इसका जो है एक पेंटिंग इसमें थी तो उसका शीशा वगैरह टूट के पेंटिंग ख़राब हो गई थी, तो हमने इसका DIY बना लिया, इसको हमने रिसाइकल कर दिया। और ये वाला काम जो है गुजरात का, ये लिप्पन काम कहलाता है, तो ये हमने ये कोन से बनाया हुआ है, और कोन वर्क करने के बाद में इसमें ये ग्लासेस हमने लगाए हैं अलग अलग शेप और डिज़ाइन के, और उसके बाद में हमने इसको एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें थी जो मैंने इस दौरान लॉकडाउन के दौरान मैंने बनाई हैं। अभी और लॉकडाउन बढ़ गया है तो और चीज़ें भी मैं बनाऊंगी और आपसे मैं शेयर करती रहूंगी। इन सबसे में आपको क्या चीज़ सबसे बेहतर लगी, अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.